दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रवि शर्मा एक बार फिर आपके बीच में हूँ। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव, वो चाहे छोटी पंचायत का हो चाहे बड़ी पंचायत का हो, चुनाव लोकतंत्र का महापर्व होता है। चुनाव चल रहा है इस समय, निकाय चुनाव की धूम है पूरे प्रदेश में। इस समय हम जनपद सिद्धार्थनगर के सदर सीट से एक वार्ड में है जिसको पुरानी नगर कहा जाता है, और यहाँ है। यहाँ से अगर देखा जाए तो 14 प्रत्याशी हैं, जिसमें 7 प्रत्याशी जो है पार्टी से समर्थित है, 7 प्रत्याशी निर्दल रूप में, और कुछ ऐसे भी उठा पटक हुई है। दूसरे चरण में यहाँ मतदान होना है 11 मई को, तो यहाँ कुछ पब्लिक है। हम पब्लिक से जानेंगे, जनता से जानेंगे कि जनता जो 11 मई को वोट करने जा रही है वो किस मुद्दे पर वोट करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जैसा मैंने बताया, लोकतंत्र का महापर्व है और सब लोग व्यस्त है, हर तरफ सिर्फ चुनाव ही चुनाव चल रहा है। कोई वोटर है, कोई सपोर्टर है, कोई कैंडिडेट है, यानी हर प्रकार से लोग चुनाव ही चुनाव चल रहा है। तो यहाँ भी चुनाव ही चल रहा है। लोग हैं, नवयुवक है, वृद्ध है, तमाम अनुभवी लोग हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर उनका वोट कहाँ जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं, किस मुद्दे पर जाएगा, एजेंडा क्या होगा। अपने कैंडिडेटों का तो एजेंडा होता है, पार्टियों का एजेंडा होता है, उनका मैनिफेस्टो होता है, तमाम लोग लुभावने वादे होते हैं, चुनावी मैनिफेस्टो होता है, घोषणा पत्र होता है, उसमें कुछ वादे ऐसे होते हैं जो पूर्ण करने लायक होते हैं, कुछ ऐसे वादे होते हैं जो सिर्फ चुनावी वादे या झुंझुना बन के रह जाते हैं, वो पूरे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ऐसे वादे लोग कर देते हैं प्रलोभन के चक्कर में, वोटरों को लुभाने के चक्कर में, कि शायद वो पूरा ना हो पाए। लेकिन फिर भी ये चुनाव है और ये लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र का महापर्व है, और इसमें उनको किस तरह की अनुमति है निर्वाचन आयोग के द्वारा अपना मैनिफेस्टो जारी करने का, तो वो कर सकते हैं। सबका अपना अपना मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो पर मैंने कल एक विश्लेषण करके आपको दिया। लेकिन आज पब्लिक का ओपिनियन हम जानेंगे कि पब्लिक का एजेंडा क्या है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सफीकुद्दीन खान है जी। मैं सपा का पूर्व नगर अध्यक्ष हूँ, सभासद मैं वहाँ का हूँ, भगत सिंह मार्ग का। मैं 10 साल में वहाँ सभासद था, अब चूंकि पिछड़ी हो गई थी तो कुछ लोग हुए थे वहाँ 10 साल, अब फिर सामान हुआ है तो फिर मैं आया हूँ। हम एक बात नहीं समझ पा, काश के नाम पर जीरो है। अब आपको बता दें, मैं था 10 सीट का पैखाना बनवाया। मैं एक छोटी सफलता बताना चाहता हूँ, अब सामान हुआ है ना ये, तो फिर मैं आया हूँ। वही ढक्कन और वही नाला और वही टोटी और वही मैंने इंडिया मार का पाइप। तो अब आप देख लीजिए, पूरी जनता यहाँ खड़ी है, यहाँ एक लोगों ने मुतनी नहीं बना पाया कि अगर आपको पेशाब लग जाए तो आप पेशाब करने कहाँ जाएंगे। मैं विकास के नाम पर मैं वोट मांगता हूँ, मैं धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा। पूरी जनता मेरे बारे में जानती है, अब हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब आप भाई लोग हैं, आपके पास चलिए ठीक है, आप समाजवादी पार्टी के और सभासद प्रत्याशी यहाँ से हैं, पहले आप ही मिल गए और आपने अपने विचार व्यक्त कर दी, और आप साइकिल पर सवार है, आप चाह रहे साइकिल तेज चलेगी, बाकियों से जानते हैं क्या चलना है। क्या नाम है आपका? नसीरुद्दीन जी, अभी एक सभासद प्रत्याशी थे, उन्होंने कहा कि साइकिल चलेगी सभासद ही में, अध्यक्षी में क्या चलेगी? अध्यक्षी में तो चलेगी स्कूटर चलेगी। बाकी पार्टियां मैदान में है, नहीं चलेंगे पार्टी से, नहीं लेना देना है। क्यों? पार्टी से हमको समझ भैया, आपका वोट किस मुद्दे को लेकर जाएगा? मुद्दा हमारा विकास, 5 साल हुआ, 5 साल तक होगा। अब पानी की निकासी की बात है कि अगले टाइम चेयरमैन बनेंगे और पाइप बिछेगी, पाइप बिछेगी। आप पुराने चेयरमैन को डिफेंड कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। 5 साल को उनको समय मिला, 5 साल में जितना काम करना था उनको कर दिए, अब वो बीच में चुनाव आ गया। क्या जल निकासी बेसिक मुद्दा नहीं है? निकासी नहीं, खाली पाइप लाइन की लाइन, जल निकासी। मैं आपसे एक प्रश्न, छोटा सा मेरा प्रश्न है, आपने कहा कि अगला मौका मिलेगा तो उन्होंने करेंगे, तो क्या 5 साल एक छोटा पीरियड होता, बहुत कम होता है? क्या जल निकासी एक प्रमुख समस्या नहीं है? एक 5 साल में जो काम मिला उनको, मुख्य बात एक आदमी की जरूरत क्या होती है, बुनियादी जरूरत क्या होती है? पानी, नाली, बिजली, पानी, सड़क। क्या हुआ? सड़क बन गई, बिजली हो गया, पानी भी आ रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपके पूर्व नगर अध्यक्ष सत्तारूढ़ पार्टी से संबंध रखते थे, वहीं से थे ना, बीजेपी से, बीजेपी केंद्र में भी है, बीजेपी राज्य में भी है और नगर में भी बीजेपी की।
फंड की कोई समस्या तो नहीं रही होगी। फिर आखिर जो बेसिक है, जो बेसिक समस्या है, जो हर व्यक्ति की समस्या है, जिसका पीड़ा हर व्यक्ति झेलता है, आखिर उस पर फोकस क्यों नहीं किया गया? आप तो डिफेंड कर रहे हो, बताओ भाई। जिसमें ये कहा गया काम किया, क्या काम किया है? बहुत काम किया, बहुत कहीं नहीं दिख रही है नगर में। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मैं भी बेसिकली इसी नगर इसी जिले का रहने वाला हूं, और बरसात के सीजन में अगर पुराने नोगल में नहीं हुआ होगा, लेकिन जो चतरी मुख्य शहर है, तमाम सरकारी कार्यालय डूबे रहते हैं और वो बंद रहते हैं, उसमें चलने की स्थिति नहीं रहती है, और आप कह रहे हैं कि जल निकासी की समस्या नहीं है। बड़ी बात है, कोई बात नहीं, हो सकता है कोई किसी का सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन हमारा वो मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? क्या नाम है? कमल के फूल पर करेंगे। किस मुद्दे पर वोट करेंगे? मैंने फूल नहीं कहा, मुद्दा बता। कमल के फूल कमल के फूल पर इसलिए करेंगे, जो भी चीज राज्य सरकार लागू की है वही नियम चल रहा है। मेरा प्रश्न ये नहीं है कि आप किसको वोट करोगे, ना मेरा प्रश्न ये है। मेरा सर पहले सड़क खराब थी, कोई नहीं बोलने वाला था। साल भर पहले सड़क बहुत खराब थी, बोलने वाले हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के तहत हमारे चेयरमैन जी का टिकट काटा गया, जीते हुए प्रत्याशी का टिकट राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के तहत काटा गया, जिसका हम खुला विरोध करते हैं। मैं भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता हूं, पदाधिकारी भी हूं, इसके बाद भी मैं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का बहिष्कार करता हूं, क्योंकि जीते हुए प्रत्याशी का टिकट काटा गया है, और हम लोग नगर के विकास के लिए श्याम बिहारी जायसवाल को वोट देंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कौन जिंदाबाद? श्याम बिहारी जिंदाबाद। किस पार्टी से? किस पार्टी से? आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हम हमेशा भाजपा ही रहे। सुनिए, जिनकी जिंदाबाद करें उनकी बात, लेकिन कहने का मैं काम जो उन्होंने किया आज तक नगर का कोई भी चेयरमैन हुआ नहीं कर पाया। हमसे ज्यादा कहना मैं हमारा नवगढ़ जो है आज से नहीं, आज से ये जनसंघ और भाजपा का गढ़ था, ठीक है, लेकिन आखिर भाजपा का कैंडिडेट भी मैदान में है। भाजपा का कैंडिडेट मैदान में, उनका भी स्वागत है, स्वागत है, लेकिन पार्टी का निर्णय गलत है, पार्टी का निर्णय गलत है, और इसी निर्णय के कारण हम आज श्याम बिहारी जी के साथ जुड़े हुए हैं। यानी जनता जनता यहाँ की पब्लिक का जो व्यू निकल कर आया वो ये है कि ये भले पार्टी समर्थित हो, लेकिन ये स्थानीय चुनाव है, और इसमें पार्टी का मतलब नहीं है, इसमें व्यक्ति का मतलब है। क्या नाम है आपका? संतु जी। संतु, संतु जी। आप यही कराने वाले हैं? हाँ। अच्छा बताइए, आप वोट करेंगे 11 मई को? वोट मारने जाएंगे? हाँ। क्या सोच कर मारने जाएंगे? क्यों वोट देने जाएंगे? किसको, मतलब किसको नहीं, क्यों देने जाएंगे? कमल का फूल। कमल का फूल? पार्टी देखकर वोट देंगे? जाति देखकर वोट देंगे? धर्म देखकर वोट देंगे? और मुद्दा देखकर? कोई मुद्दा नहीं है। नाली भरा पानी दरवाजे पर, मुख्यमंत्री आके रोड बनवाएंगे? 5 साल तक कोई विकास नहीं हुआ है, 5 साल तक कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, कोई नहीं। लेकिन लोगों का तो 100 में कहना है कि बड़ा विकास हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हम कहेंगे अपना लोगों का नजरिया है, जायसवाल जीत रहे हैं, हम लोग अपना वोट ग्राम ग्राम प्रधानी के बाद, ग्राम प्रधानी के बाद, इसके बाद जब यहाँ नगर पंचायत या नगर पालिका का जो भी निर्माण हुआ, आज तक जितना श्याम बिहारी जी ने विकास किया है उसको किसी के बताने की जरूरत नहीं है, वो सामने दिखाई दे रहा है, उसका अंग्रेज के जमाने में पुराना। एक सवाल मेरा, छोटा सा एक सवाल, श्याम बिहारी जायसवाल ने विकास किया, निश्चित तौर पर उनका काम है, यहाँ की जनता ने चुनकर भेजा था, चेयरपर्सन बनाया था उनको, और इसीलिए बनाया था कि आप नगर का विकास करें, जो बुनियादी समस्याएं उसको दूर करें, लोगों की सुख सुविधा का ख्याल रखें, ठीक है।
उस समय जब वो चुनाव लड़े थे तो क्या किसी पार्टी से समर्थित थे? भाजपा से समर्थित, भाजपा से समर्थित थे और भाजपा के ही सिद्धांतों को आगे बढ़ाया है ना। अब जब भाजपा ने उनसे समर्थन वापस ले लिया तब भाजपा ने समर्थन वापस ले, हम अपने विकास के मुद्दे, हम अपने नगर के विकास के लिए। हो सकता है जो भाजपा से आए या जो सपा से आए, जो बसपा से आए, वो और बढ़िया विकास कर लेगा। आज एक चीज नहीं, आज एक उनसे उम्मीद नहीं रखी जाती है। आज एक प्रत्यक्ष चीज हमको दिखाई दे रही है। आज पंचवर्षीय योजना को आज हमको दिखाई दे रहा है। बिहारी जायसवाल ने जो विकास किया है वो अद्वितीय है। आखिर आप दूसरे को क्यों नहीं परखना चाहते हैं? ये ठीक है, ये युवा 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 हम अगर जो कोई भी हमारा काम पड़ेगा तो हम अपने नगर के ही जाकर के कोई भी काम करेंगे, अदरवाइज किसी और जगह पर जाकर के हम किसी अध्यक्ष को नहीं ढूंढने जाएंगे। कौन अगला कहाँ है, कहाँ पर नहीं है, तो इससे अच्छा हमारा बेटर हमारे सामने। यहाँ 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 लोगों के थोड़ा सा हम कुछ नए चेहरे हैं, मैं नए चेहरों से जानना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? दीपक मदनवाल। मदनवाल जी, आपका आप तो भी नवयुवक है, पहली बार वोट देने जाएंगे? नहीं। क्या कहता है, किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे, तो अभी तक कुछ आपने देखा होगा, आपको क्या लगता है, आप बेहतर की उम्मीद करते हैं कि हो चुका है या बेहतर चाहते हैं? बेहतर चाहते हैं। बेहतर चाहते हैं, यानी विकास के मुद्दे पर वोट होगा, यानी जो अभी तक हुआ है उसमें कहीं आपको कमी नजर आए? कभी कोई कमी नहीं है। अच्छा, कमी नहीं है। चलिए, क्या नाम है आपका? नानसु कसौदर। आपका क्या एजेंडा होगा, किस एजेंडे पर आप? विकास के मुद्दे पर। तो आपको क्या लगता है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है यानी बीजेपी, थोड़ा सा जगह दीजिए, जो बीजेपी केंद्र और प्रदेश में सत्ता की है, वो कहती है कि हम, हमारा सिद्धांत है विकास, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस मुद्दे, उस मूल मंत्र पर चलती है, और उनके जो कैंडिडेट होते हैं, उनके जो प्रत्याशी होते हैं, उनके जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो उन सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि ऐसा हो पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। यानी पार्टियां जो कहती है उसमें सच्चाई में सच्चाई नहीं होती, सच्चाई नहीं होती। अच्छा, ये छोटा सा सवाल मेरा हो, तमाम जो कैंडिडेट मैदान में है, तमाम जो प्रत्याशी, वो तमाम लोग लुभावने उनके घोषणा पत्र है, आपने देखा सबका घोषणा पत्र? देखा। क्या लगता है? कुछ नहीं, सब वादे झूठे हैं, छलावे। बहुत सही, ये नवयुवक की आवाज है, देश के युवा की आवाज है, और युवा कह रहा है कि जो लोग मैनिफेस्टो लाते हैं, तमाम लोग लुभावने वादे उसमें होते हैं, वो सिर्फ चुनावी झुंझने होते हैं, छलावे होते हैं, सच्चाई बहुत कम होता है। लेकिन हाल फिलहाल इस वार्ड से जहाँ तक देखा जाए, हालांकि इनका मुद्दा भी विकास ही है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं जो निवर्तमान विकास हुआ पूर्व में, उससे यहाँ काफी लोग जो है सेटिस्फाइड दिख रहे हैं। अब हम और भी वार्डों के और भी लोगों का हम ओपिनियन जानेंगे कि आखिर चुनाव में जो सन्निकट है, जो 11 मई को मतदान होना है, उसमें उनका चुनावी मुद्दा क्या होगा।